क्रिकेट मैच और क्रिकेटर्स के लिए देश के लोगों में कितनी दीवानगी है, इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी कहीं मैच होता है तो उसे देखने के लिए लाखों लोग तैयार रहते हैं। मैदान पर चौके छक्के की बारिश देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कोई खिलाड़ियों को लेकर बात करता नजर आता है। हर शख्स की इच्छा होती है कि वो अपने मनपसंद खिलाड़ी से मिल सकते हैं। एक मैच का सफल आयोजन कराने में हजारों लोगों का योगदान होता है। जब ये लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाते हैं तब जाकर आप मैच का मज़ा उठा सकते हैं। मैच के दौरान हर किसी का एक ही सवाल होता है, स्कोर क्या हुआ है? क्या आप जानते हैं कि आपके पास सही स्कोर कैसे पहुंचता है? शायद नहीं। तो ये सही स्कोर बताने का काम स्कोरर्स का होता है। ये स्कोरर्स पल पल बदलते मैच का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन यदि स्कोरर्स नहीं होते तो क्या होगा? बीसीसीआई की रिटायरमेंट पॉलिसी के चलते देश के 17 स्कोरर्स भी इतने ही निराश, नाराज़ और टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब उनकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि ये उनसे संस्था की ओर से औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया है। दरअसल बीसीसीआई की रिटायरमेंट पॉलिसी के चलते इस सत्र की शुरुआत 60 साल के हो चुके 17 स्कोरर्स पर आगे की काम नहीं मिलने का खतरा मंडरा रहा है। इस सीज़न में इन स्कोरर्स को कोई काम नहीं दिया जाएगा। हालांकि बीसीसीआई की ओर से इन्हें रिटायरमेंट को लेकर कोई इशारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इन स्कोरर्स ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को लिखे पत्र में कहा कि अगर हमें ये बता दिया जाता है कि आने वाला सीज़न आपका आखिरी होगा तो ये अच्छा रहता। इसे स्कोरर्स ने ये बात स्वीकारने में आसानी रहती। एक स्कोरर ने तो ये तक कह दिया कि हम एक तरह से बीसीसीआई के कर्मचारी नहीं हैं तो रिटायरमेंट कैसे हो सकता है। इसके अलावा अंपायरों, मैच रेफरी की तरह हमें अधिक मैच फीस, पेंशन जैसे लाभ भी नहीं मिलते। हमें जुनून के लिए काम किया है, यहाँ तक कि प्रतिदिन 50 रुपये से इसकी शुरुआत की थी। हमें कई बलिदान भी करने पड़े। कई स्कोरर्स ने तो अपने प्रमोशन तक इसलिए छोड़ दिए कि वो अपने सेंटर पर ही स्कोरिंग करना चाहते थे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।